दोस्तों, हमने इस वीडियो को सिंगल स्मार्टफोन के ऊपर क्रिएट किया है, जो कि वो स्मार्टफोन ये है, Realme Narzo 50। दोस्तों, आपको इस वीडियो में इस स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसर, डिजाइन, कैमरा, यहाँ तक के इस स्मार्टफोन की सारी जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव और काफी हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा सेल्फ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है लकी और आप देख रहे हैं AS ग्लोबल इन्फो। हमेशा की तरह आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और पास ही में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कीजिएगा। और वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि मेन इन्फॉर्मेशन आप मिस न कर दें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी, प्लास्टिक की फ्रेम होने वाली है और साथ ही में फ्रंट में यहाँ पर ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं फ़ोन के डिज़ाइन के बारे में। तो आप देख सकते हैं फ़ोन के बैक साइड में ट्रिपल कैमरा का सेटअप और साथ ही में LED फ्लैश होगा और नीचे में यहाँ पर आपको रियलमी की ब्रांडिंग देखने को मिलेगा। और बात कर लेते हैं इस फ़ोन के फ्रंट के बारे में। तो आपको यहाँ पर टॉप लेफ्ट में पंच होल कटआउट कैमरा, पतली स्टिचिंग, पतली सी बेसेंस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यहां तक के आपको इस फोन का लुक अच्छा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आप बात कर लेते हैं इस फोन के कलर के बारे में। तो यहां पर आपको ये फोन दो कलर में देखने को मिलेगा, ब्लू और ब्लैक। दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा इन दोनों कलर में से कौन सा कलर आपको अच्छा लगा। तो चलिए दोस्तों, आप बात कर लेते हैं इस फोन के मेन इन्फॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फोन के डिस्प्ले के बारे में। यहाँ पर आपको 6.6 इंच फुल HD प्लस IPS LCD देखने को मिलेगा और साथ ही में ड्रैगन टॉल प्रो ग्लास का सपोर्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको डिस्प्ले में कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, तो दोस्तों, आप बात कर लेते हैं कैमरा के बारे में। तो यहाँ पर आपको ट्रिपल रियल कैमरा, मेन कैमरा 50 MP का और साथ ही में 2 MP का माइक्रो और 2 MP का डेप सेंसर। और सेल्फी कैमरा की बात कर ले तो यहाँ पर आपको 16 MP का कैमरा देखने को मिलेगा और आप इन कैमरा से 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पर आपको MediaTek Helio 96 का चिपसेट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिलेगा, डेली यूज़ के लिए बेहतर देखने को मिलेगा। और बात कर लेते हैं इस फ़ोन के रैम और रोम के बारे में। तो यहाँ पर आपको 464 GB देखने को मिलेगा। और अगर बात कर ले इस फ़ोन की बैटरी के बारे में, तो यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी और साथ ही में चार्जिंग सपोर्ट के लिए 30W का सपोर्ट देखने को मिलेगा। और फिर यहाँ पर आपको टाइप सी केबल भी देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा फीचर के बारे में। तो यहाँ पर आपको इस फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा और साथ ही में फेस अनलॉक भी देखने को मिलेगा और 3.5 mm का जैक होगा। और दोस्तों, यहाँ पर आपको सिंगल बेड ऑन फायरिंग स्पीकर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको स्पीकर अच्छा देखने को मिलेगा। और दोस्तों, यह फोन रन करता है एंड्रॉइड 11 के रियलमी UI 2.0 पर। अब बात कर लेते हैं फोन के प्राइस के बारे में। तो ये फोन आपको 12999 में देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।